हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी किचन। आज हम आपके साथ बनाने वाले हैं सूजी ब्रेड पिज्ज़ा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल सूजी और रवा, और हमने कुछ सब्जियां काट ली थी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और प्याज। अब हम इसको सब सब्जियों को इसमें डाल देंगे, और आप इसमें कोई भी सब्जियाँ डाल सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हों। हम इसके अंदर डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सब डालना है, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची चाहे रहने भी दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच मलाई, 1/2 ग्लास ले सकते हो आप। क्योंकि इसमें पानी भी डालना होता है तो दूध आप थोड़ा ही लीजिएगा। और फिर हमने मलाई भी डाल दी थी तो डालकर अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। और अब हमने इसमें पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिला लेंगे अच्छे से, ताकि इसका ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट ना रहे और ज़्यादा मुलायम पेस्ट भी ना रहे। क्योंकि अगर ज़्यादा पतला होगा तो फिर वो बह जाएगा ब्रेड के ऊपर से, और अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो वो खाने में भी टेस्टी नहीं होगा, तो इसलिए नॉर्मल पेस्ट रखेंगे। हमारा पेस्ट हो गया है तैयार। अब हमने तवा रखा था गैस पर, उसको थोड़ा गर्म होने दिया। जो ब्रेड की स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर ये जो हमने पेस्ट बनाया था वो लगा लेंगे, और अच्छे से साइड्स में सारी जगह लगाइएगा। बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों के स्नैक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और जल्दी ही बन जाता है, तो कोशिश कीजिएगा ज़रूर बनाएं इसको। बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, मेरी सारी कजन्स बहुत खुश होकर खाती हैं इसको, इवन मेरे पेरेंट्स तक इसको बहुत खुश होकर खाते हैं। अभी सभी स्लाइसेस पर ऐसे धीरे धीरे साथ के साथ ही आप लगा सकते हैं। एक करके शेक कर दिखा देती हूँ। ये हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, वेजिटेबल ऑयल, आप घी भी ले सकते हो, बटर भी ले सकते हो। और ये हमने डाल दिया है ब्रेड की स्लाइस जिसमें हमने वो पेस्ट लगाया था। इसके चारों साइड पर हम ऑयल डाल देंगे ताकि वो चिपके ना, और इसके ऊपर भी लगा देंगे बिकॉज हमें बैक साइड से भी सेकना है। और ये बहुत क्रंची होता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। आप इसको कभी भी कहीं भी लेकर जा सकते हैं, अपने बच्चों के टिफ़िन में भी डाल सकते हैं, बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे इसको। देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है इसके अंदर, थोड़ा अच्छे से क्रंची होने तक हम इसको सेकेंगे। और आप इसको सुबह के टाइम, शाम के चाय के साथ आप ले सकते हो, और बड़ी जल्दी तैयार होता है, 10 मिनट का काम होता है सारा इसको बनाना। देखिए हमारा क्रिस्पी हो ही गया है लगभग, दूसरी साइड से भी हम क्रिस्पी होने देंगे। अब हम सभी को ऐसे सेक लेंगे और इसको उतार लेते हैं प्लेट्स में। ये हमने सर्व कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।